सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तब बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और सिलसिला बाजारों का में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पर कम्युनिटी बाजार का अपडेट। सोमवार का दिन है, हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है। जानेंगे कि आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन कम्युनिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है, कम्युनिटी बाजार में कितनी उठापटक, कितनी हलचल देखने को मिल रही है, किस कम्युनिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल सकती है आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन, क्या दाव लगाकर चलना सही रहेगा, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे कैसा सीड से। रूपा जी, देख रहे हैं कि कैसा सीड का फरवरी वायदा आज जो ट्रेड करता नजर आ रहा है NCDX पर, वो 6458 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। रूपा जी, हमने बीते कारोबारी सप्ताह में कैसर में 6500 का हाई तो लगते देखा था, लेकिन सस्टेनेबिलिटी नहीं मिली थी और ना ही वहाँ पे उस लेवल पर फिर ट्रेडिंग देखने को मिली थी, टच करके फिर वहाँ से नीचे जाता नजर आया था, लेकिन 6400 के ऊपर आज भी देखने को मिल रहा है। रूपा जी, आपको क्या लगता है, क्या इस कारोबारी सप्ताह में 6500 या 6600 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं कैसे सीड के अंदर? देखिए अखिलेश, बिल्कुल एक्सपेक्टेड है ये लेवल्स आ सकते हैं। अब जब तक 6500 की रेंज ब्रीच नहीं होती तब तक ज्यादा तेजी इसमें नहीं मान सकते। हम पहले भी देखे हैं कि 6500 के ऊपर गया था लेकिन वहां सस्टेन नहीं हुआ और उसके बाद से करेक्शन के बाद अब बाजार उठने शुरू हुए हैं और वापस से 6500 का स्तर एक्सपेक्टेड है बिल्कुल। और मुझे लगता है भी आज भी ये लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी इसमें भी बनाकर चला जा सकता है जी। ये रूपा जी, बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल का फरवरी वादा देख रहे हैं अब 3100 के घरों में ट्रेड करता नजर आ रहा है, आधे फीसदी से ज्यादा की करेक्शन है। रूपा जी, देख रहे हैं कि बिनौला खल अब 3200 का भी लेवल तोड़ चुका है और 3100 के लेवल्स पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, आपको क्या लगता है, क्या यहाँ से बिनौला खल में अभी 2900 या 3000 तक के भी लेवल्स दिख सकते हैं? देखिए अभी 2900 का लेवल तो एक्सपेक्टेड नहीं है। एक बार देखिए 3120 तक सपोर्ट बनता हुआ टेक्निकली दिखाई दे रहा है। देखिए फंडामेंटल तो मार्केट अभी भी सपोर्टिव है लेकिन ऊपरी स्तरों पर करेक्शन है ये बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन 3120 या मैक्सिमम डाउनसाइड 3080 तक बनता हुआ दिखाई दे सकता है जी। ये जरूर रूपा जी, बात करें अगर हम मसालों की, तो मसालों में देख रहे हैं कि धनी का अप्रैल वायदा अपने उन्हीं सपोर्ट लेवल्स पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 10230 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है आधे फीसदी की तेजी के साथ। देख रहे हैं कि जीरे का मार्च वायदा 19490 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, और बात करें अगर हल्दी की, तो हल्दी का अप्रैल वायदा देख रहे हैं 10000 के ऊपर निकल चुका है, 0.25% की तेजी है। रूपा जी, अब बाजार में ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही है कि मसालों के अंदर यहाँ से कुछ करेक्शन बनती नजर आ सकती है अच्छी तेजी के लिए, आपको क्या लगता है, क्या मसालों में यहाँ से करेक्शन बननी चाहिए जिससे कि मसालों में आगे और अच्छी तेजी देखने को मिल सके? देखिए मसालों में बहुत ज्यादा करेक्शन फिलहाल नहीं एक्सपेक्टेड है, छुटपुट करेक्शन बन सकती है लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है और मुझे लगता है कि डिमांड जो है वो पिकअप होती हुई आगे भी दिखाई देगी। अभी फिलहाल कुछ दिन तक बाजार काफी सपोर्टिव है तो मेरे हिसाब से बाइंग की ही रणनीति में रहना चाहिए, जो भी डिप आए उसमें खरीदारी करके चला जा सकता है जी। यही से रूपा जी, बात करें अगर अब ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो देख रहे हैं कि ग्वार गम का फरवरी वायदा 12000 के ऊपर सस्टेन है, 12030 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है और फरवरी वायदा 6300 के ऊपर है, 6400 का ही लगा चुका है। रूपा जी, आपको क्या लगता है, क्या ग्वार गम और ग्वार सीड में यहां से कुछ करेक्शन के आसार लगते हैं? देखिए ग्वारगम और ग्वार सीड में भी पॉजिटिव है रुझान और अभी भी देखिए 12000 के ऊपर सस्टेन है तो यहाँ से एक तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है जो कि 12800 से 13000 तक जा सकती है और मुझे लगता है कि सीड में भी पॉजिटिव है मोमेंटम, सीड के अंदर भी आगे तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है और सीड जो है ऊपर में एक बार 6500 के ऊपर की सस्टेनेबिलिटी आने के बाद मुझे लगता है कि ये भी कब तेजी पकड़ सकता है, तो ओवरऑल ट्रेंड फिलहाल पॉजिटिव है, बाइंग की रणनीति में ही रहना चाहिए जी। यहीं से रूपा जी, बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन का फरवरी वादा देखने की 6400 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। रूपा जी, काफ़ी समय के बाद देखने की सोयाबीन ने फिर से 6400 का लेवल दिखाया है, और बात करें अगर US सोयाबीन की, तो US सोयाबीन देख रहे हैं कि इस वक्त $1493 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है 0.5% की तेजी के साथ। रूपा जी, देख रहे हैं कि विदेशी बाजारों में भी आज हफ्ते के पहले कारोबार दिन सोयाबीन के अंदर जोरदार तेजी देखने को मिली है। सोयाबीन में हम देख रहे थे कि जो इंटरनेशनल मार्केट में बाजार था US सोयाबीन का
1400-1420 इससे ऊपर नहीं जा रहा था, बीच में 1450 भी गया था, लेकिन फिर से वहाँ से 1420 या 1390 तक गया था फिर। लेकिन आज देख रहे हैं कि 1500 के बेहद करीब है, $1493 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या उसका सपोर्ट घरेलू सोयाबीन की कीमतों पर मिल सकता है? देखिए बिल्कुल, जो विदेशी बाजारों में तेजी आ रही है उसकी वजह से ही हम देख रहे हैं कि हमारे एडिबल ऑयल मार्केट जो है वो गिरा नहीं है, वही सस्टेन है। तो अभी फिलहाल जो है उस तेजी का असर बिल्कुल डोमेस्टिक मार्केट पर देखने को मिल सकता है और भाव ऊपर में एक्सपेक्टेड है कि एक बार 6500 तक जा सकते हैं जी। ये सर रूपा जी बात करें अगर कॉटन की, तो कॉटन में अब जो कमोडिटी बाजार है उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं बजट से लेकर कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो कम की जाए, अगर आपको क्या लगता है अगर बजट में कॉटन से इम्पोर्ट ड्यूटी हटा दी जाती है तो उससे कितना फ़ायदा कितना नुकसान होगा, और उसकी वजह से हम जो देख रहे हैं कि कॉटन में दबाव बनता नज़र आया ये कब तक जारी रह सकता है? और देखिए ये छुटमुट गिरावट बन सकती है, एक बार फ्लक्चुएशन आ सकता है इस तरीके के, अगर कुछ भी अपडेट निकल कर आता है तो थोड़ा सा बाजारों में प्रेशर जो है वो बन सकता है अगर इम्पोर्ट ड्यूटी हटा दी जाती है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो फंडामेंटल पर नजर दौड़ाए तो ऑलरेडी प्रोडक्शन काफी कम है, तो इससे मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट आता हुआ दिखाई देगा और कीमतें बहुत ज्यादा कोई लुढ़कती हुई दिखाई देंगी। अभी सस्टेनेबिलिटी आएगी मार्केट की, कंसोलिडेट हो सकता है यहाँ पर मार्केट, लेकिन हाँ बजट के दौरान थोड़ा बहुत उठा पटक देखने को मिल सकती है जी। रूपा जी कुछ दर्शक हैं जिनका सवाल लहसुन को लेकर आ रहा है, ये कह रहे हैं कि लहसुन में देख रहे हैं कि मंडियों में हल्की फुल्की थोड़ी थोड़ी बढ़त देखने को मिली है, तो क्या आगे भी यहाँ से बढ़त देखने को मिल सकती है लहसुन के अंदर? नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा कोई लहसुन में तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है, मुझे तो बहुत ज्यादा अभी सस्टेनेबल नहीं लगता है मार्केट, मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे सकता है जी। ये सर रूपा जी बात करें अगर दालों की, तो आपको क्या लगता है क्या बजट में दालों को लेकर भी कुछ फैसला हो सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इम्पोर्ट तो पहले से हो ही रहा है? देखिए दालों में अभी प्रेशर ही रहेगा अखिलेश, दालों में अभी फिलहाल कोई तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, और आप मान के चलिए कि अभी दालों में कोई भी मूवमेंट जो है बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है जी। ये जो रूपा जी बात करें अगर मूंगफली की, तो मूंगफली में कैसा रुझान लगता है आपको? देखिए मूंगफली में भी मुझे लगता है कि गिरावट आ सकती है जी। रूपा जी टॉपिक्स क्या देना चाहेंगी आप आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन जिनमें अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? इंटरडे की बात करें तो आज इंटरडे में मुझे लगता है कि ग्वार के अंदर बाइंग में रहना चाहिए, ग्वार के बाइंग के साथ साथ आप कैस्टर में भी बाइंग में रह सकते हैं और इसके साथ साथ मसालों में भी खरीदारी करके चला जा सकता है जी। बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि इंटरडे पर्सपेक्टिव से आज आप इंटरडे में ग्वार बिनौला ग्वार कैस्टर और मसालों में खरीदारी में रह सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा कर चल सकते हैं। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार ही बना रहेगा मार्केट एमसीवी पर। फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई, अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस खुशियों की अपनी दुकान।